स्कीम में आप एलिजिबल हो इस बात को एंश्योर करें, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस स्कीम का फॉर्म ऑनलाइन फिल करने से पहले आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए इस वीडियो में डिस्कस होंगे। सबसे पहले आधार कार्ड अपलोडेड होना चाहिए बोथ साइड, उसके बाद बैंक पासबुक, उसके बाद बैंक लिंकिंग फॉर्म, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बना हुआ एफिडेविट, उसके बाद आपके राशन कार्ड की ई टिकट, उसके बाद आपकी डीओबी और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट साथ या मैरिज कार्ड, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स शादी से 30 डेज पहले अपलोड होने चाहिए। अगर इसमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो और आपने स्कूलिंग भी नहीं की है तो बाकी सब इंस्ट्रक्शंस को देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो स्टेट मैरिज इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबस्टिट्यूट में वहां पर फिल करना है। थैंक्स फॉर